संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है वीडियो आपको कुछ ना कुछ लाभ दे रही होंगी। आज से हम एक नया विषय लेने जा रहे हैं, योग दर्शन। लगभग सभी दर्शन हम कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं, ख़त्म की नहीं कह रहा हूँ, कुछ ख़त्म कर दिए हैं। और दर्शनों में मैंने इतना समझा दिया है कि इससे ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं। वेदांत तो संपूर्ण हो ही गया है, मीमांसा 70% भाग हो गया है, उसके बाद में सब याद करने वाली चीज़ें रह गई हैं, समझाने वाला कुछ नहीं बचा है उसमें। तर्क भाषा भी लगभग समझाने वाली चीज़ें समाप्त कर दी हैं, कुछ रह गई है, थोड़ा सा रह गया उसको देख लेंगे। तर्क संग्रह में समझाने के लिए कुछ है नहीं, सब तर्क भाषा का ही रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, दोनों एक ही चीज़ हैं। न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन को मिलाकर के तर्क भाषा और तर्क संग्रह बनाई गई हैं। सांख्य में हमने 40 कारिकाओं के लगभग अध्ययन कर लिया है और विस्तृत अध्ययन किया है, उसमें भी अब कुछ नहीं है, केवल तत्वों को गिनने की बारी रह गई है। अब इतना सारा थोड़ा सा ज्ञान मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अर्जित किया होगा। हो सकता है आप में कुछ लोग केवल और केवल अध्ययन, किताबी कीड़ा एक परिभाषा शब्द होता है, उसके लिए ही जीवन कर रहे हों, तो मेरी नज़र में उसका कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है आप अध्ययन करने के बाद किसी के अच्छे स्कूल में अध्यापक बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, लेक्चरर बन जाएं, प्राइमरी के भी बन सकते हैं, इंटर कॉलेज के भी बन सकते हैं अध्यापक, डिग्री कॉलेज में भी बन सकते हैं, किसी के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी चले जा सकते हैं। लेकिन दर्शन को यदि अध्ययन करना है, दर्शन को अगर देखना है, तो उसमें कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है, इमेजिनेशन। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी दिखाई पड़ते हैं ना, तो मैं दुनिया में सभी ये बच्चे हैं। योग दर्शन में जब अध्ययन कराऊंगा, मैं कराने का प्रयास करूंगा, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात योग दर्शन में नहीं छुपाई गई है जो आप मोटिवेशनल स्पीकरों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो दर्शन, योग दर्शन का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। मैं, हो सकता है मैं आपके प्रश्न पत्र के अनुसार ना पढ़ा पाऊं, लेकिन मैं सूत्रों को, सारे सूत्रों को लेने का प्रयास करूंगा, जितने भी इन्होंने सूत्र दिए हैं, सूत्री बोल रहा हूं मैं उनको। हो सकता है आपकी नज़र में वो कारिकाएं हों, कुछ और कारिका नहीं है, सूत्री टाइप हैं, सूत्रों पर ही चले हैं। भाष्य पतंजलि जो हैं वो भाष्यकार हैं, और भाष्य भी सूत्रों पर आधारित ही था, और उन्होंने जो व्याख्या की है योग दर्शन की, वो भी सूत्रों में ही लगभग की है। छोटे 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 सूत्र बनाए हैं, अथ योगानुशासनम, युवा चित्रवर्ती निरोधा, इस तरह से शब्दों का थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया है। कल्पना के द्वारा बहुत उच्च कोटि की उन्होंने व्यवस्था दी है कि आप कल्पना से क्या क्या कर सकते हैं, निद्रा में आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की व्यवस्था आप दे रखें या तो उसमें क्या कर सकते हैं, विपर में आप क्या क्या हो सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं। ये मैं बताने का बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा। हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगें ना लगें, कुछ होते हैं सब्जेक्ट से संबंधित ही केवल अध्ययन करना चाहते हैं, तो जो सब्जेक्ट से संबंधित केवल अध्ययन करना चाहते हैं, तो योग दर्शन में मुझे नहीं लग रहा मैं दे पाऊंगा आपको। मैं योग दर्शन में सूत्र सब समझाऊंगा, लेकिन बहुत विस्तृत में हो जाएंगे वो, तो आपका समय खराब होगा, क्योंकि आप समय खराब नहीं करना चाहते, इसलिए शायद इस वीडियो को आप स्किप कर दें या योग दर्शन मेरे देखें ही ना, तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि मैं योग दर्शन को थोड़ा विस्तृत में ले जाने का प्रयास करूंगा। एक एक सूत्र की परिभाषा हो सकता है एक एक वीडियो में ही हो पाए। मेरा उद्देश्य योग दर्शन को बहुत गहराई से अध्ययन करने का भी है, क्योंकि एक बात कहावत है, जिसको हम पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, जिसको हम देखते हैं वो याद रह जाता है, जिसको हम करते हैं वो उसमें होशियार होते चले जाते हैं, लेकिन जिसको हम किसी को अध्ययन कराने का प्रयास करते हैं या किसी को बताने की कोशिश करते हैं, अध्यापन कराने की कोशिश करते हैं या किसी को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम उसमें निपुण बन जाते हैं। तो यहाँ योग दर्शन या कोई भी चीज़ में जो अध्ययन कराने का प्रयास करता हूँ, पूरा अपना जो तन मन होता है, जो धन होता है, मैंने तीनों लगाने का प्रयास किया है। अब धन की समस्या ये है कि धन कैसे लगाएंगे, धन भी मैंने बहुत लगाया है, वो कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। तो यहाँ तन मन धन तीनों लगा दिए हैं मैंने, और अंदर से अंतरात्मा से अध्ययन कराने का प्रयास करता हूँ पूरा, जैसा भी हो सकता है। मैं इसलिए मैं कमेंट के माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ कि यदि आपको कोई चीज़ गलत लगती हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें और उसको सही भी कर दें। हो सकता है मेरी समझ से परे रहा हो, मैं सारी विषयों को पढ़ाने का प्रयास करने का कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं सभी में पारंगति हूँ, और मेरी गलतियाँ तो मैंने बताया आपको बहुत सारी होती हैं।
क्योंकि बोलने में मैं इतना खो जाता हूँ कि वो ध्यान ही नहीं रहता कि कुछ चीज छूट रही है। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो योग दर्शन, दर्शन सारे जान लिए, थोड़ा सा योग दर्शन पर चर्चा करते हैं। भूमिका के रूप में है और हो सकता है एक दो सूत्र भी ले लूं आज। दर्शन को मैंने समझा दिया था आज तक, अब योग की बात चलती है। योग का एक संस्कृत में आता है रिते ज्ञानात मुक्ति, मतलब बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। अब ज्ञान के दो तरीके हैं, एक ज्ञान होता है सांसारिक, ठीक है, और दूसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक। सांसारिक ज्ञान आपको संसार में तरक्की देता है, बढ़ाता है, और आध्यात्मिक ज्ञान आपको आत्मिक क्षेत्र में फैलाता है, विस्तृत करता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। सांसारिक क्षेत्र में दुनिया देख पाती है, आत्मिक क्षेत्र में है विरले ही देख पाते हैं। कौन बुद्ध पुरुष है ये जब तक बुद्ध पुरुष ना बोलते तो कोई नहीं पहचान पाता। तो ज्ञान की जो चर्चा की गई है वो आध्यात्म ज्ञान से है, सांसारिक ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं एक दो बार और बोल चुका हूं कि दर्शनों को सांसारिक जीवन के लिए पढ़ाने का उद्देश्य बना दिया, बड़ा ही गलत किया, क्योंकि इससे कितने लोग इसका अध्ययन कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते मुझे नहीं पता, केवल रट रट के काम चला रहे हैं, कितने तत्व होते हैं, क्या तत्व होते हैं, क्या नहीं होते, सब ऐसे चल रहा है। दो प्रकार की चीजें होती हैं, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से जानकर भी लोग, तत्व ज्ञान को जानकर भी लोग कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, और तत्व ज्ञान ये बौद्धिक क्षमता पर आधारित करता है। तत्व ज्ञान को जानने के बाद, बुद्धि के वृत्ति को समझने के बाद, सारी क्रियाएं जानने के बाद, बुद्धि में जो कुछ आपने जाना उन सारी प्रक्रियाओं को छोड़ने पर भी आप कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। दो प्रकार का ज्ञान हो गया, बुद्धि सहित और बुद्धि रहित। तो यहां पर हमने जो तत्व ज्ञान किया है वो सांख्य दर्शन में किया है। आप जाकर के अध्ययन करेंगे तो तत्व ज्ञान 25 प्रकार के जो तत्व हैं, 24-25 प्रकार के जो तत्व हैं वो उसमें अध्ययन कराया गया है, पूरे तत्वों का अध्ययन किया गया है, मह तत्व से लेकर के पंच महाभूतों तक, पुरुष ये सब मिला करके ये तत्व ही हैं। उनका ज्ञान सांख्य दर्शन में किया गया, इसलिए सांख्य और योग एक हैं, अलग नहीं है। अब जो दूसरा है, अब आपने तत्वों का जो ज्ञान कर लिया, उसके बाद में आप उन तत्वों को कैसे प्राप्त करें, अर्थात उन तत्वों से कैसे छुटकारा पाएं, ये कहता है योग दर्शन। तो यहां पर ज्ञान को भी छोड़ दिया जाता है, बुद्धि के ज्ञान को, ठीक है, उसको बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बोला गया, अर्थात ज्ञान बुद्धि के शुद्ध से शुद्धतम ज्ञान को भी जहां छोड़ दिया जाता है वो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आता है, और अपरोक्ष रूप से आत्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा इसमें बोला गया है। अनुभव नहीं है मेरा इतना, जिन लोगों का अनुभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रमाण कितने होते हैं, शब्द प्रमाण जिसमें अंतर्गत आता है, हम जानते हैं शब्द प्रमाण से मतलब जो कुछ लोग हैं जो जान चुके हैं उनके शब्दों के प्रमाण मान लिया जाता है, इसलिए शब्द प्रमाण बोला गया है। तो दर्शन हमारे छह हैं, कौन कौन से हैं, न्याय है, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और योग, सांख्य और योग। न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन तर्क भाषा के रूप में हम जान चुके हैं, मीमांसा दर्शन विशेष रूप से समझाई चुके हैं, वेदांत को संपूर्ण कराई दिया है, सांख्य चल ही रहा है,
योग दर्शन जो आता है वो अंत में आता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपको एक बात यहाँ समझने की है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये जितने भी दर्शन है, ये तीन दर्शन, और इसमें सांख्य दर्शन भी सम्मिलित है, वो आत्मा को परोक्ष रूप से जानने में क्रियाओं को नहीं दे पाए। वो कैसे आत्मा को कैसे अपरोक्ष रूप से जाना जाए, आत्मा के बारे में कैसे जाना जाए, ये इन सारे दर्शनों के बारे में बात कर रहा हूं। वेदांत दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सारी बातों आत्म साक्षात्कार सिद्धि के बारे में भी चर्चा करता है, बहुत विस्तृत चर्चा की है उसमें आत्म साक्षात्कार सिद्धि के बारे में, मैंने इसमें बताया भी, आप जाकर के अध्ययन भी कर सकते हैं। अब योग दर्शन जो है वो वैज्ञानिक है पूर्ण रूप से, उसमें किसी भी चीज को घुमा फिरा के नहीं बताया गया है। जैसे वेदांत में इधर उधर की बातें करके कभी कभी बहका देते हैं, उदाहरण देते हैं, इधर का उदाहरण दिया, उधर का उदाहरण दिया, यहां नहीं, यहां जो है वो यही है। तो योग में थोड़ी सी बातें और देख लें, इसमें तो असंप्रज्ञात बोला जाता है, और इसमें जो केवल की जो प्राप्ति होती है सांख्य दर्शन में, उसमें विवेक ख्याति के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। खैर ये बातें चलती रहेंगी। योग शब्द को हम कई रूप में जान सकते हैं, हम जानते हैं कि युज धातु से बना है, युज में घे प्रत्यय लगने पर योग बनता है। अब युज जो है, युज समाधौ, एक तो ये रूप है इसका, एक यूजर संयोगे और एक यूज ये यूजर योग है, ठीक है, ये है संयमन है, मतलब ये समाधि के रूप में, दूसरा जोड़ के रूप में, और तीसरा नियमन के रूप में, संयम के रूप में, या फिर ठीक कुछ भी कर सकते हैं। ये तीन चीजें दी हैं यहां पर, जो मुख्य चीज है वो समाधि के रूप में ही लिया गया है, क्योंकि हमको पता है कि योगा चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि जो निरोध कर दे, समाधि में ही चले जाए चीजों को, इसीलिए यहां पर समाधि ही मुख्य माना जाता है। वैसे योग का मतलब जोड़ भी होता है, और जोड़ लगा भी लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, सुख को दुख को जितनी भी विकृतियां फैली हुई हैं, क्योंकि चित्तवृत्तियां हैं जितनी भी, उन सभी को जोड़ना है, एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, तो ये भी अर्थ लगा सकते हैं। नियमन का भी अर्थ लगा सकते हैं, आप जो भी नियम में चले जाएं, इस तरह से भी अर्थ लगा सकते हैं इसमें, नियमन या संयमन एक ही चीज है, कोई समस्या नहीं है। सूत्र है सीधा एक, अथ योगानुशासनम, ये बोला गया है। तो यहां पर जो अथ है, अथ को जब भी हमारे संस्कृत विद्वान हैं, जब भी किसी चीज को प्रयोग करते हैं तो वो अथ शब्द का जरूर प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो अथ का प्रयोग किया गया है, वैसे इसके दो अर्थ लगा सकते हैं आप, वाच्य अर्थ में लिया गया है यहां पर, हालांकि यहां पर दो अर्थ कैसे लगा सकते हैं कि अथ का प्रयोग ऐसे भी हो सकता है, कोई व्यक्ति है वो इतना सांसारिक रूप से दुखी हो गया, दुखी होने के बाद में भटकता रहा, अंत में वो योग की शरण में गया, गुरु की शरण में गया, तो गुरु ने कहा कि अथ योगानुशासनम, अब हम, अथ का मतलब अब हम, इसके बाद आप जो कुछ था देखने योग देख लिए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, फिर हम योग का अनुशासन कर सकते हैं, तो अथ का इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, अथ का जो ना प्रयोग हो सकता है, जैसे किसी विद्वान ने, कोई विद्वान थे, उन्होंने सांख्य दर्शन का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में उसी गुरु के द्वारा
तो सांख्य दर्शन में जब वो पारंगत हो गए अर्थात तत्वों को वो जान गए, विशेष रूप से विवेक ख्याति में प्राप्ति कर ली उन्होंने, फिर उनको असंप्रज्ञा समाधि की कुछ ना कुछ ललक लगी कि परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो फिर गुरु की शरण में गए और गुरु से योग के बारे में जानने का प्रयास किया। तब भी इस अथ का प्रयोग कर सकते हैं कि अथ योगानुशासनम, अर्थात आपने जो कुछ जान लिया, जितने भी तत्व जानने थे जान ले, बुद्धि के रूप में आप बहुत उच्च कोटि में चले गए, पारंगत हो गए बौद्धिक तत्व में, और सारे तत्वों को जानने के बाद विवेक ख्याति को प्राप्त हो गए हैं, अब हम योग का अनुशासन कर सकते हैं। ये इसका तात्पर्य है, क्योंकि बुद्धि जब तक है तब तक चित्त की वृत्तियां चलती रहेंगी। चित्त किसको बोला गया है? चित्त केवल चित्त नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण का नाम ही चित्त ले लिया गया है। तो सारी चीजें चलती रहेंगी, तो जितना हम अध्ययन करते चले जाते हैं हमारी बुद्धि उतनी तेजी होती चली जाती है और उतनी चलायमान होती चली जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि ज्यादा अध्ययन इधर उधर की बातें करने पर आदमी का दिमाग चल जाता है, तो उसके लिए भी इन्होंने बोला है कि अथ योगानुशासनम, अब हम योग को अनुशासित कर सकते हैं। अर्थात अनुशासन का मतलब क्या है यहां पर? योग का मतलब हम समझ गए समाधि, और योग दो शब्द हैं, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा। अनुशासन का मतलब होता है सिखाया जाए, अनुशिष्यते इति अनुशासनम, कहते हैं अनुशासन में रहिए। अनुशासन में रहने का तात्पर्य कोई भी चीज आप सीखने को तैयार है या उसको सिखाने के लिए सिखाया जा रहा है, जाए या अनुशासन किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो अथ योग अनुशासन का तात्पर्य क्या है कि अब योग को सिखाया जा सकता है आपको, आप उस योग्य हैं कि अब आप योग सीख सकते हैं। योग की बात कही है उन्होंने, समाधि की बात नहीं की, योग अनुशासनम, योग की बात करी है। और योग का अर्थ हम समाधि लें ना लें ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि समाधि जो है बुद्धि के, जब हम बारे में बात करेंगे कितने प्रकार की बुद्धि होती है, तब पता चलेगा कि सारी बुद्धियों में समाधि तो हो सकती है लेकिन योग सारी बुद्धियों में सम्मिलित नहीं हो सकता। योग के लिए कुछ बुद्धियां हैं दो प्रकार की, उन्हीं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो अथ योग अनुशासनम सीधा कह रहा है कि अब हम योग के बारे में जान सकते हैं, समाधि के बारे में नहीं जान सकते, ये तात्पर्य है इसका। चलिए इसके बारे में अब मैं थोड़ी सी और बात कर लूं, इसी सूत्र में चलते हैं। ये उम्मीद है इसमें कुछ है नहीं बताने को, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो दर्शन है योग दर्शन, इसको कितने पादों में बांटा गया है वो देख लेते हैं। पहला है समाधि पाद, ठीक है। समाधि पाद में समाधि और योग के बारे में विस्तृत व्याख्या की है, समाधि क्या है और योग क्या है, ये सारी बातें इसमें चलेंगे। दूसरा आता है साधन पाद, जब सारी बातें हम जान जाएंगे कि योग ये है। देखिए कोई भी चीज आप जब तक नहीं जान पाते तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी पेड़ पर फल लगे हुए हैं, अब आप उस फल के बारे में जानते नहीं, लग तो अच्छे रहे दूर से लेकिन खाएंगे कैसे, खाए ना खाए कहीं मरण तो ना जाएंगे, कहीं जहर तो ना होंगे, जहरीली फल तो ना हो, बहुत सारी बात होती है। जब कोई व्यक्ति उनके बारे में चर्चा करता है, सारी बातें बता देता है, तब फिर बात आती है कि इसको प्राप्त कैसे करें, अब हम इसको हम तोड़े कैसे, इसको खाएं कैसे, तो वही बात आती है। फिर साधन की बात आती है, कोई ऐसी व्यवस्था दो जिससे को हम इनको तोड़ सकें। तो समाधि पाद में वही बात की गई कि योग क्या है, योग से होने वाले क्या क्या कार्य हो सकते हैं या योग को कैसे प्राप्त किया जा सकता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें थोड़ी सी चर्चा की है। फिर साधन पाद आया, साधन पाद में योग को प्राप्त करने के साधन बताएं, और यही अष्टांग योग के बारे में बात की है, यम नियम आसन धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में, इसमें साधन पाद में। तीसरा जो आता है वो पाद है विभूति पाद, ठीक है। विभूति से तात्पर्य क्या है? ऐश्वर्य। अब इसमें ऐश्वर्यता के बारे में वर्णन किया, यहां पर
मैंने जो ऐश्वर्य के बारे में सांख्य दर्शन में आपको समझाने की बात करी थी, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा वाली सिद्धियों के बारे में यहाँ विस्तृत रूप से इसमें समझाया जाएगा, ये इसमें विस्तृत व्याख्या है। चौथा है कैवल्यपाद, इसमें सारी व्यवस्था कैवल्य के बारे में बताई गई है, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको सांसारिक जीवनों से छूटना बोला जाता है, मुक्ति बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है, आप जितने भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इस पाद में उसकी व्याख्या की है, तो इसलिए ये चार पादों में विभक्त किया गया है और चारों पादों को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हम जान सकें। तो ये अथ योगानुशासनम को आपको याद रखना है कि अथ योगानुशासनम, अब हम योग को अब तुम्हें या अब योग को सिखाया जाए, इस तरह से इसका परिभाषा कर सकते हैं, अनुशासन तात्पर्य सिखाया जाए, ये अर्थ है। तो योग को सीखने के लिए तत्पर रहिए, कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से विस्तृत व्याख्या देने का प्रयास करूंगा, हो सकता है एक या दो ही सूत्र इसमें लिए सम्मिलित किए जाएं, ज़्यादा भी कर सकता हूं, कभी कभी हो जाती है चीज़ें जल्दी, और कितना मैं समझाने में सक्षम रहता हूं ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। योग दर्शन को बहुत विस्तृत में समझिए, जानिए, अध्ययन करिए किताबों से, और दो चार किताबें हों आपके पास तो उसका भी अध्ययन करिए, तब जा करके समझ में आएगा योग दर्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।